पैलेस का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है। इस जगह का नाम है जलेब चौक। अच्छा, 400 साल पहले राजा जब यहाँ रहते थे ना, ये जो है जगह वहाँ पे तीन राजा ने बनाया है और इस जगह का नाम है जलेब चौक। आर्मी पैरेड ग्राउंड, आर्मी पैरेड ग्राउंड, पैरेड ग्राउंड। राजा की जो आर्मी होती थी यहाँ पे राजा को सलामी देती थी मैडम। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे राजा का काली माँ का मंदिर है। यहाँ पे काली माँ को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे वैसे का बलि होता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नवरात्रों। अच्छा, तीसरा है कि जब भी राजा महाराजा को देखने का जो मन करता था तो फेस्टिवल रास्ता में जो कल्चर्स वगैरह नृत्य वगैरह होता था, कथक वगैरह होता था, यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता था। अच्छा, देखो राजा अपने रानी के साथ में बैठते थे देखने के लिए। मैं वो जगह आपको बता रहा हूँ, ये तो छतरी बना हुआ, तो गुम्बद देख रहे हैं आप, कौन सी ये छतरी बनी है, गेट के सामने दो गुम्बद। यहाँ पे एक पे राजा बैठते थे, एक पे महारानी बैठते थे। अच्छा, वहाँ से वो देखते वहाँ से थे सारी नजारे, राजा रानी देखते। दूसरी बात, इस पूरी इमारत को यानी पूरे महल को बनाने के लिए पानी जितना भी जो स्टोर करते थे राजा लोग, बारिश के पानी को जमा करते थे। अच्छा, तो जो बारिश होती थी उसके पानी से जमा करते थे, उससे ये महल बनी। यस, महल भी पानी के बाद खत्म करने के लिए और पीने के लिए भी बरसात का पानी जमा करते थे। अंडरग्राउंड सबसे पहला पानी का जो वाटर टैंक है वो इसके नीचे, इसके नीचे है। यहाँ पर आप खड़े हो, पानी का टैंक है। अच्छा, इसके नीचे पानी का टैंक है। सामने देखो वो पानी का टैंक बना हुआ है, छोटे से दो पिलर देख रहे, इंगल बना हुआ, वो पानी का टैंक है। अच्छा, अंडरग्राउंड बना हुआ है, नीचे पहाड़ों का सारा पानी इकट्ठा होता है इसमें। अच्छा अच्छा, सामने जो मेन गेट देख रहे, ये राजा का मेन गेट है आने का, यहाँ से राजा का एंट्री होता था। ये दरवाजे का नाम है सूरज पॉल गेट, सूरज पॉल गेट। आम जनता जो राजा के जो प्रजा एंट्री करते थे वो यहाँ से करते, ये चंद्र पॉल गेट। अच्छा, ये चंद्रपोल की गेट, सूर्य और चंद्रमा के नाम पे रखा गया सूरज पोल चांद। ये फर्स्ट पार्ट आपने देखा है जलेब चौक, जलेब चौक। ओके, सामने जो रेड बिल्डिंग देख रहे हो, हाँ जी, ये पैलेस का सेकंड पार्ट है। अच्छा, ये दीवानी आम है। अच्छा, उसी को दीवानी आम बोलते हैं। यस, दीवानी आम का मतलब होता है जनता दरबार, जहाँ आम लोग, जहाँ आम लोगों से राजा मिलते थे। तो आम लोगों में, गाँव के लोगों में जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी सारी समस्याएं होती थी, एक पंचायत टाइप का जो भवन होता था, सारी समस्याओं को लेकर यहाँ पे राजा के पास में आती थी, सुलह होती थी, लोगों का प्रॉब्लम जो है समाधान होता था। ठीक है, दीवानी आम तो सवाई जयसिंह जी ने बनाया। ओके, सामने जो जाले वाला पोर्शन देख रहे, छोटा सा जो, हाँ, जो सामने दिख रहा है वो ये वाला जो, वो रानी का वेलकम विंडो है, वो रानी का सुहाग मंदिर है। अच्छा, सुहाग मंदिर का मतलब होता है कि जैसे राजा महाराजा जब लड़ाई लड़ने जाते थे, बड़े बड़े जब युद्ध करने जाते थे, तो रानी अपने राजा को वहाँ से, अपने राजा को लंबी उम्र के लिए कामनाएं करती, वहाँ से राजा का रास्ते रखते। अच्छा 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 अच्छा, इसी के पीछे है शीश महल। अच्छा, शीश महल का जो दूसरा नाम है वो दीवाने खास है, दीवाने खास प्राइवेट। अच्छा हाँ, दीवाने खास में वो बताया, जोधा अकबर में ना बताते हैं। तो दीवाने खास का मतलब हो गया राजा का प्राइवेट पर्सन, राजा का मीटिंग। ये दीवानी आम लोगों के लिए, दीवाने खास खास लोगों के लिए। उसका टिकट आपका लगेगा देखने का, अगर आप देखते। अच्छा, 102 रुपये का टिकट है उसका। अच्छा, और उसके बाद में यहाँ विदाउट टिकट कैसर गार्डन है, रामबाग। अच्छा, यहाँ से अगर हम अंदर एंट्री करते तो हमें टिकट लगेगा वहाँ से। अच्छा, वहाँ ऊपर जाएंगे तो ये टिकट विंडो है इधर में। अच्छा, इधर वहाँ पे आपका टिकट चेक होगा, जैसे ये दीवानी आम है ऐसे अंदर में खाली वो दीवानी खास। अच्छा, और ये सब जो हम फ्रंट वगैरह में ये सब में घूमेंगे, इधर कोई टिकट नहीं, इधर कोई टिकट नहीं, जो भी आपको मैं घुमाऊंगा उसका भी कोई टिकट नहीं। तो ठीक है ना, अब मैं एक दो फोटो आपका लूंगा पूरे महल के साथ। हाँ, थोड़ा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा फोटो वगैरह, है ना। फोटो बाकी आपने बहुत अच्छा बताया गाइस, यहाँ पे आए और ये अंकल बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या है बता दीजिए? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश है इनका नाम, और इनको गाइड करें, ये इनको ले और ये आपको पूरा गाइड करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे, पूरा रिस्पेक्ट से। बहुत अच्छे हैं ये, और तो मिले थे दो तीन भाई साहब, वो जो मतलब क्या बोलूँ, छोड़ो उनको तो, है ना। और ये अंकल काफ़ी अच्छे हैं, बहुत गुड तरीके से हमें दिखाया इन्होंने, और हमें आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, सीरियसली। ठीक है।